गाइस ये बेस्ट एंटरटेनिंग सोर्स था अपने टाइम का जो कि अब मैं मिस करता हूँ। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज कनिष्क पूरे एच के बीस्ट। और मैं आपको भी ऐसे कुछ मिल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नहा के आया हूँ जस्ट, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं मैनिलो करने, तो ये वीडियो है क्यू एन ए वीडियो, स्पेशली क्यू एन ए, इतना बड़ा क्यू एन ए लिखा है मैंने, अब क्यू एन ए वीडियो है। और मैंने जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे थे, जो भी कुछ पूछा था, तो वो सब क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, जैसे भी क्वेश्चन थे सबका आंसर देंगे, ठीक है। और मैं करूंगा थोड़ा एक गाड़ी में व्लॉग, क्योंकि घर में एक ही जगह पे तो मैं मैन्युअल करने ही जा रहा हूँ, तो गाड़ी में शूटिंग कर लेंगे साथ में, वेले टाइम में क्यू एन ए के आंसर दे देंगे, बाकी टाइम पर डिलीवरियाँ कर लेंगे और क्यू एन ए का क्यू एन ए बन जाएगा, डिलीवरी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम बस, मैं खाना खा रहा हूँ और एक बज रहा है, मैं 1:30 बजे निकलूँगा, तो बस ठीक है। तो आपको मिलते हैं सीधा गाड़ी में अब। सो गाइज वी आर बैक हेयर इन कार, और मैं 1:30 बजे निकला था, अभी बज रहे हैं 4, क्योंकि धनाधन ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब टाइम लगता है यार ऑर्डर डिलीवर करने में, वापस अपनी प्लेस पे आने का, एक और ऑर्डर मिला। तो क्यू एन ए शुरू हो नहीं रहा, मैं चाहता हूँ शुरू होए, बट क्या करें, मैं 2 मिनट गाने सुनने लग पड़ा था। तो गाइज मैं ऐसे गाने नहीं सुनता, ये जस्ट थोड़ा एंटरटेनिंग पर्पज के लिए मैंने लगाया था, डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो मैं अपना क्यू एन ए शुरू करता हूँ, अब एक और ऑर्डर मिला है अपने घर के पास का, तो ये दे के आते हैं, फिर आके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो गाइज बच चुके हैं 6 और लगातार डिलीवरियाँ करते रहे हैं, तो अब आते हैं अपने क्यू एन ए पे। तो पहले मेरे को क्वेश्चन ढूंढने लगे, 1 मिनट पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस हो गए हैं तो वो शायद मैं ना बोलूं, बट एज सच जितने होंगे। तो सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया? तो यार हम पंजाबी बंदे तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया ही चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया, आई प्रेफर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज गुड, बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज काइंड ऑफ लाइक मोर, कह सकते हो ज़्यादा थोड़ा वो हो जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया में वाइब है। तो अगला मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त मेरे को पूछ रहा कब आएगा इंडिया। ब्रो अभी कुछ पक्का नहीं इंडिया आने का, जब होगा प्लान तो बता दिया जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, मैं नाम, देखो भाई गाइज मैं नाम नहीं किसी का लूँगा इसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन जिसने पूछा होगा किसी को पता चल जाएगा अगर कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, लैपटॉप एंड फ़ोन यहाँ से लेके आना चाहिए या वहाँ से लेना चाहिए? ब्रो लैपटॉप का प्राइस थोड़ा सा सस्ता पड़ता है यहाँ पे, डील्स मिल जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, और फ़ोन यहाँ पे आके लेना, इंडिया से कोई अभी थोड़ा बहुत काम चलाओ फ़ोन ले आना, तो यहाँ पे आके अच्छा सा फ़ोन ले लेना। सो आगे भाई पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाई GF है क्या तुम्हारी? नहीं भाई कोई GF नहीं है, यह सिंगल, चिल सिंगल। फिर उसी सेम बंदे का एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टडी, भाई IT और बिजनेस का कैसा स्कोप है, और IT वालों के लिए PR का क्या स्कोप है, कितना टाइम लगता है पक्के होने में? ब्रो जो इंजीनियरिंग फील्ड है ना, इंजीनियरिंग फील्ड को 7 साल 8 साल लग जाते हैं PR होते होते, ठीक है। स्कोप तो बहुत है इस चीज़ में, ठीक है। आगे इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा और मेरे को पता भी नहीं है ये है कौन चलो ठीक है। और उसी बंदे ने सेम किया है #FreeRamRahim, ताकि वो अपनी हनी पेज से वापस मिल सके ना, कांड कर सके गंदे गंदे, चल छोड़ो जो भी है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आउट ऑफ पर्थ एडिलेड एंड गोल्ड कोस्ट विच प्रोविंस इज बेस्ट फॉर नर्सिंग? ब्रो कोई भी चले जाओ यार, हर जगह नर्सिंग का स्कोप है, इवन आप मेलबर्न में भी अगर नर्सिंग कर लोगे ना तो वहाँ पर। ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ऐसे आदत नहीं ना फर्स्ट टाइम क्यों आने, थोड़ी गलतियाँ हो तो थोड़ा झेल लेना फर्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रो वुड यू लाइक टू स्ट्रीम अमंग अस बाय कनेक्टिंग अस ऑन जूम एंड प्लेइंग अलोंग? श्योर भाई श्योर, जूम के साथ कर लेंगे, बनाते हैं किसी दिन प्रोग्राम अगर फ्री, मेरे को जिस दिन फ्री टाइम मिलेगा उस दिन सब्सक्राइबर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट यूनि फॉर नर्सिंग? ब्रो बेस्ट नर्सिंग की यूनि टाउन्सविल, फिर देखो यार अगर नर्सिंग अच्छी यूनिवर्सिटी में करनी हो छोटे शहर है, और अगर बड़ा शहर देखना है तो भाई एक फ्लिंडर्स है मेलबर्न में, फिर डिकन है, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। मेरी ग्रिफिथ है, सदर्न क्रॉस है, और भी बहुत हैं, ये आपका एजेंट आपको ज़्यादा सजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। फिर अगला बंदा पूछ रहा है, क्या पूछे समझ नहीं आ रहा,
फिर अगला बंदा पूछ रहा है आपकी मंथली अर्निंग्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड पर इज बेटर और गोल्ड कोस्ट इन एवरी फैक्टर। मंथली अर्निंग्स ब्रो, अब जैसे मैं गाड़ी में करता हूँ ऊबर तो फुल टाइम है, फुल टाइम में हम $1,000 अप डाउन चलता है ठीक है, पर मोस्टली आप कह लो अगर फुल टाइम है तो $800-900 बन जाता है एक एवरेज ठीक है। और अगर आप, मैं बाईसाइकिल पर जब कर रहा था तो मेरा 400 कुछ बनता था, बस यही हिसाब है, बाकी आप समझ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन कनाडा से आया, आई नो हु इज ही। सो हाउ मैनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव इन ऑस्ट्रेलिया, पहले भी जीएफ का क्वेश्चन आया था बट ये ऑस्ट्रेलिया में पूछा सर्टनली, बट कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अपनी, हम अभी तक सिंगल हैं, तो सिंगल ही हैं भाई अभी तक, आप दिला सकते तो दिला दो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बिजनेस, ये सेम क्वेश्चन हो गया भाई फिर तो, व्हाट्स द बेस्ट वाईफाई नेम यू हैव हर्ड ऑफ। हॉटस्पॉट का नाम था यार वो, और उल्टा मैंने ही रखा था, तेरा बाप चोर है तो कोई वाईफाई तो हॉटस्पॉट मांगता ही नहीं था, इतना गंदा नाम होता था। तो चल छोड़ो यार, वो तो छोटे होते की बात है, जब हम होते थे 10th 11th में तब ऐसे शोशे करते होते थे। तो अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन यूनी बालर्ट कैसी है, शुड वी अप्लाई अबाउट सिटी। ब्रो ये सारी छोटी जगहें हैं यार, छोटे शहर में जितना जाओगे उतना जॉब के लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा शहर चूज़ करोगे ना उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी मिल जाएगी अगर अर्निंग वाइज आप सोच रहे हो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो, बॉर्डर्स कब खुलेंगे, है कोई अपडेट। ब्रो एज सच बॉर्डर्स का अपडेट कोई नहीं है अभी तक, बट मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर मेरी सजेशन मांगना चाहो तो बॉर्डर मोस्ट प्रोबली जुलाई में खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीन है वो मार्च में रोल आउट होगी और 90% इफेक्टिव बना दी है, अब थोड़ा सा और इफेक्टिव करने के लिए मतलब वो मार्च तक पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन उससे डबल वैक्सीन ये प्रोवाइड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबली जुलाई तक खोल लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस इन ट्राइमेस्टर एंड सेमेस्टर सिस्टम। ब्रो ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का और सेमेस्टर होता है 6 महीने का, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ट्राइमेस्टर करती है और वो ट्राइमेस्टर इज़ लाइक सेमेस्टर ओनली। अब आप कहोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट वो जो यूनि होती है हमारे ट्राइमेस्टर को सेमेस्टर समझती है, एक साल में हमने खाली 6 महीने पढ़ना है उसको फर्स्ट ईयर गिना जाएगा हमारी यूनि में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहाँ घूमने का प्लान है, वी वॉन्ट मोर टूर व्लॉग्स। ब्रो टूर व्लॉग्स बहुत आएंगे अभी, बहुत ज़्यादा आएंगे घूमने के। सेम क्वेश्चन, व्हेन विल द बॉर्डर विल ओपन, आज सच मैंने बता दिया। सो आई हैव 8 units एंड आई एम ऑप्टिंग 2 इन फर्स्ट सेमेस्टर, कैन आई स्टडी अदर 6 इन। ब्रो 4 तो चूज़ करना ही पड़ेंगे मेरे ख्याल से, मैंने 4 units चूज़ किए थे तभी मेरे को सीट मिली थी, 3 अभी इन्होंने कर दिया ऑन के 3 कर सकते हैं ड्यू टू दिस कोविड थिंग के बंदा स्ट्रेस ना ज़्यादा ले ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बॉर्डर भाई, और सारे इमोजी हंसने वाले भाई, बॉर्डर तो जुलाई में खुलेंगे, अभी वेट कर लो थोड़ी देर वेट कर लो यार, थोड़ा सा इतना टाइम निकाल दिया, थोड़ा सा और निकाल लो। बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन रीजनल ओवर सिटीज, रीजनल में वर्क परमिट ज़्यादा है, रश थोड़ा कम होता है बट जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं रीजनल में, मेट्रो में पीआर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं पर जॉब ज़्यादा होती है भाई, बस कहते हैं जिसके पास पैसा है उसको पीआर क्या लेनी, पैसा हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो यू नो व्हाट आई मीन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर वीक मेरी अगर चाहो 150 रेंट, 600 में 200 पर वीक का, अब 200 पर मंथ का वो 800, पेट्रोल का खर्चा अब हो गया है $100, 900 से $1,000। इस सरनेम कंपलसरी टू टेक एडमिशन इन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और इट्स पॉसिबल विदाउट सरनेम। ब्रो विदाउट सरनेम भी हो जाती है, अब कईयों का सरनेम नहीं होता तो वो भी तो एडमिशन लेते ही होंगे ठीक है, तो मेरा तो सरनेम के साथ ही हुआ था, आप अपना देख लो, अगर आपके कोई पेपर वर्क का सरनेम नहीं है तो भी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे, और थोड़ा छोटा क्यों एन ए रखते हैं इस बारी ठीक है, अगली बारी थोड़ा बड़ा क्यों एन ए करेंगे क्योंकि थोड़ी फैमिली और ग्रो करेगी तो हम बड़ा क्यों एन ए बनाएंगे। तो दैट्स फॉर दिस क्यू एन ए, आई नो बहुत बोरिंग वीडियो है, क्यू एन ए की डिमांड आ रही थी तो बहुत बोरिंग है, और थोड़ा झेल लेना, इसके बाद जो व्लॉग आएंगे वो बहुत मज़ेदार हैं क्योंकि, तो बस येलो क्यू एन ए बन गया है,
जितने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने सारे आंसर दे रही हैं, दो तीन चार पांच को छोड़ के, ज़्यादा पर्सनल थे, थोड़ी और फैमिली ग्रो हो जाए तब बता देंगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।